जनपदीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर राजकीय इंटर कॉलेज लालकुआ में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लाल चंद्र सिंह अध्यक्ष नगर पंचायत लालकुआ रहे। ऊर्जा संरक्षण के संबंध में जनपद नैनीताल के 8 ब्लॉकों से वाद विवाद निबंध लेखन व चित्रकला प्रतियोगिताओं में प्रथम द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि व अन्य विशिष्ट अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी हल्द्वानी हरेंद्र कुमार मिश्रा ने कहा कि यदि हमारे द्वारा इसी तरह ऊर्जा संसाधनों का दोहन किया जाता रहा तो हमारी आने वाली पीढ़ियां इससे वंचित रह सकती हैं। इसलिए हम सभी के द्वारा ऊर्जा संसाधनों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पंचायत अध्यक्ष लाल चंद्र सिंह ने ऊर्जा का महत्व बताते हुए कहा कि हम सबका कर्तव्य है कि हम खुद भी ऊर्जा संरक्षण करें और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। आपका कर्तव्य है, जब तक हम ऊर्जा संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी, जो आने वाले हमारी संतानें हमको कोसेगी। इसलिए ऊर्जा संरक्षण हर क्षेत्र में बहुत जरूरी है। अभी एक बालिका ने बड़ा अच्छा अपना स्टेटमेंट दे रही थी कि यदि हम जो है तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं तो तकनीकी से ऊर्जा, हम ऊर्जा का दोहन कर रहे हैं, अब ऊर्जा का दोहन कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का हरियाली को हम नष्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह दुष्प्रभाव है। तो हमको ऊर्जा का संरक्षण करना है। और हमारे देश में भी एक दिन ये जो पेट्रोल और डीजल से कारें चल रही हैं, वो बिजली से चलने वाली और बैटरी से चलने वाली बनेगी, तो एक दिन वहाँ भी ऊर्जा का संरक्षण होगा। ऊर्जा का संरक्षण हर क्षेत्र में करना है हमें, और उसको जागरूकता, जिस तरह आज ये जागरूकता किया गया है, उसी तरह हमें जागरूकता फैलाना है। ये घर घर में, ये बच्चों को ये बड़ा अच्छा संदेश यहाँ से जाएगा, क्योंकि ये शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, तो उनको संरक्षण दें के विषय में बताना बहुत ही आवश्यक। ऊर्जा संसाधन से हम उससे ऊर्जा के संसाधनों का दोहन करते रहे तो आगे आने वाली पीढ़ी हमारे इन ऊर्जा के संसाधनों से वंचित रह सकती है, हो सकता है इसके वो लाभ से वो वंचित रह पाए। तो हमें ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा जो संसाधन है उनको संरक्षित करना, और साथ में अक्षय ऊर्जा के जो संसाधन है, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इनके संसाधनों की बेहतर तकनीकी का हमें ईजाद करना पड़ेगा। छात्र छात्राओं के माध्यम से संदेश जाएगा तो नई चीज हमारे बच्चे कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता के अनुसार नई रिसर्च में जाएंगे, जिससे अक्षय ऊर्जा के भंडार का हम बेहतर उपयोग कर सकते हैं और अपने हित में, हमारे समाज के हित में, देश के हित में हम काम कर सकते हैं।